सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और बेल आइकन को क्लिक करें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियोस आप तक बआसानी पहुंच सके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अल्लाह, मौत की तलखी, कब्र की सख्ती, हशर की शर्मिंदगी, जहन्नुम की गर्मी से हमारी हिफाजत फरमा, आमीन। पाकिस्तानियों, तुम मस्जिद आबाद करो, तुम्हारा रब कोरोना को बर्बाद कर देगा इंशाअल्लाह। ए अल्लाह, हमें माफ कर दे, हम आइंदा तेरी नाफरमानी नहीं करेंगे और सच्चे दिल से तौबा करते हैं। और मेरे अल्लाह, इस बीमारी से हम सबको महफूज रख, और मेरे मौला जो इस बीमारी में मुब्तला हैं इनको जल्द सेहतियाब फरमा, आमीन। ए मेरे अल्लाह, हम तेरी आजमाइश के काबिल नहीं, मेरे रब तू हमें माफ़ कर दे। ए मेरे अल्लाह, माफ़ कर दे, मेरे अल्लाह तूने हमसे मुंह मोड़ लिया, तो कौन है तेरे अलावा जिसके पास जाएंगे। ए मेरे गफूर रहीम मौला, हमें माफ़ कर दे। डर ना मौत का है और ना कोरोना का, लेकिन एक बात का अफसोस ज़रूर है, जो वबा फैल रही है और जिसको लग जाए तो डॉक्टर के मुताबिक कोरोना के मरीज की मैयत को शॉपर में लपेट कर दफना दिया जाता है, ना ही गुसल और ना ही कफन दिया जा सकता है, और तो और घर वाले चेहरा भी नहीं देख सकते। अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें ऐसी मौत से बचाए, आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। जिन कौमों पर अजाब का फैसला हुआ, इन पे अजाब आके रहा, मगर याद करें एक कौम यूनुस थी जिन्होंने अजाब के असार को देखकर खूब तौबा इस्तगफार की और अल्लाह ने उनसे अजाब टाल दिया। आए हम सब भी इस रब से खूब खूब इस्तगफार करें, या अल्लाह हमें माफ़ कर दे, हमें हमारे प्यारों को इस वबाई मर्ज से बचा ले, आमीन सुम्मा आमीन। इस दुआ को खूब ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, पता नहीं अल्लाह ताला की बारगाह में किसकी आमीन कबूल हो जाए और सबका बेड़ा पार हो जाए। जज़ाकुम अल्लाहु खैरन कसीरा। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। मज़ीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। अच्छी बात को दूसरों तक पहुंचाना सदका जारिया है। जज़ाकुम अल्लाहु खैरन कसीरा। अपना और अपने प्यारों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।